इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स प्रिंटिंग फॉल्ट। तो मेरे को तो 3PS था ना? नहीं बाजी, LB था उसमें। वो मेरी मिस्टेक नहीं है, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, लेकिन मैं 3LPA लेती हूँ। अब फाइनली कुछ होने वाली बात करो ना। नहीं बाजी देखो, मैं 3.3LPA लेता हूँ, लेकिन मैं आपको 3LPA लिख के रेज्यूम भेजी, आप सेलेक्ट कर लिए। 3LPA होना कहते दीवाने को, मेरे को ये पैकेज आते आते जमाना गुजर गया। हाँ ठीक है, मेरा पैकेज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसको 3LPA दूं? लेकिन अब कोई और चॉइस भी नहीं है। वैसे भी मेरे कौन से जेब से जाने वाले हैं, कमाने वाली मेरी जॉब से मैं हूँ, और इसके ऊपर खर्चा करने वाला बेचारा मेरा मियाँ है, तो जाने ही देते, अपना आराम देखो, मियाँ की जेब गई भाड़ में। तो बाजी मैं कंफर्म हूँ ना? हाँ ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो ठीक ही है। शुक्रिया बाजी। तो काम कब से शुरू करना है? बाजी देखिए, आज सिर्फ मैं मीटिंग के लिए आई थी, मैं कल आऊंगी और वर्क पूरा देखूंगी, उसके बाद परसों से काम स्टार्ट होगा। आज चेक कर लो ना जी, ऑलमोस्ट काम हो गया, आज देख लो ना। बाजी मीटिंग के लिए आई थी मैं। ठीक है आप बोलती हो तो देख लेते हैं, क्या क्या करना रहता? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, हाँ बस इतना ही। बाजी टर्म्स एंड कंडीशंस भूल गए क्या? नहीं मेरे को याद है, लेकिन देखो आज का आज है ना, मैं आज भी ऑर्डर कर दी तो एक दो दिन तो लग जाते आने के लिए, तो एक दो दिन तक तो एडजस्ट कर लो ना। अब मैं आपकी सैलरी तो निगोशिएट नहीं करी, एक दो दिन तो आप एडजस्ट कर ले सकते ना। हाँ ठीक है बाजी, देखती हूँ आज, बस एडजस्ट दो दिन के लिए देखती हूँ, अब दिखाती हूँ कैसा काम करा तुम। देखो ये दो दिन से मेरे से काम कराते नो। क्या हुआ माँ? नहीं कुछ भी नहीं बाजी। ठीक है आप काम दिखा दो, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, सिर्फ दो दिन के लिए देखिए बाजी। ठीक है चलो। सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ये टाइम होता माँ आने का? कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे, कितना टाइम हुआ, ये सब पूछते मैं तुम्हारा शौहर हूँ क्या? शौहरों को नहीं पूछते माँ, इतने नखरे तो मैं मेरे शौहर की रह जलती हूँ। बाजी बड़ी बात है तोबा, शोहरों के नखरे ना उठाए तो चलता, मेरा नखरा हर एक किसी को उठाना पड़ता। वैसे आप डंबल अप कॉल कर रहे मेरे को, ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती ना मेरे को? अब तुम ड्राइव भी करेंगे? आओ बाजी मेरे पास पर्सनल कार भी है तुम्हारे को मालूम। बाहर का
इम्पोर्टेड मतलब कहाँ के रहते ये? दुबई के, टर्की के, सऊदी के। आपको लगता है ऐसा? हाँ जी, ऑनलाइन ज्यादा फ्रॉड होता ना जी। नहीं, लोगों के चार दुकानर है तो इतना महंगा। हाँ जी, तो आपको लगता है टर्की दुबई से लोग इम्पोर्ट करा के प्लेन में भिजा के मार दे दे? इसलिए इतना महंगा है वो। कहीं को बोलो चार दुकान है बोले नहीं, वो पूरा पैसा तुम्हारे से निकाल रहा हूँ। तो अब और कहाँ से ले सकते? अवेलेबल ही नहीं है कहीं। बाजी ये पूरे बुरखे, ये पूरे अबाया यहीं छुपना मेरे दिमाग में तुम्हारे को। हाँ हाउ तो कहाँ से ऑर्डर करना फिर? अरे फैशन ग्राम इंस्टाग्राम पेज से करो जी। फैशन ग्राम ऐसा पेज है, उसमें अबायाज और एक से एक अबायाज रीजनेबल रेट में मिलते तुम्हारे को, तुम चेक करो। ये तुम लोग अभी जाके देखो फैशन ग्राम इंस्टाग्राम पेज पे। हाँ अबायाज भी बहुत जबरदस्त है, फ्रॉक्स गाउन्स। अरे इसमें पार्टी वेयर भी मिलते अपने हैदराबादी। और ये देखो, अरे ये वाला तो वो है ना अर्तुरुल, अर्तुरुल का है ना ये। हाँ बाजी, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे अबायाज रहते हैं। ये रमजान की ईद आ रही है, अब रमजान में लेते कैसा भी। अरे वो चट्टा करारे शरारे पहन के बेजार हो गई मैं, ये अर्तुरुल का लेती हूँ अब मैं। आजकल हलीमे सुल्तान बोल के भी आड़े टेढ़े ही चमकिया लगा के दे रही हूँ, जॉर्जेट के कपड़े पे, शिफॉन के कपड़े पे। छी जरा पसंद नहीं है, इसको बोलते असली अर्तुरुल बोल के। बाजी ये अर्तुरुल पहन के आप हलीमा सुल्तान नहीं दिखने वाले हैं, फिर भी आपने सूट होता। ऐसा मेरा वक्त आन दे, बताती हूँ तेरा। जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लेती हूँ। अब आए बात से मेरी तारीफ करना। देखो बाजी फैशन ग्राम कितना मस्त पेज है।